कोई सरप्राइजिंग नहीं है जिस तरीके से विपक्ष पे एकदम फोकस लगाकर उनको उनके ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ईडी सीबीआई आईटी के सारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये दुखद है। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन होना है, कोई आरोप होता है, तो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ ही क्यों? हिमंत बिस्व शर्मा का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ, प्रताप सरनायक का महाराष्ट्र में क्या हुआ, अजीत पवार का क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर जो चार्जेस है उसका क्या हुआ? तो सवाल उठता है। अगर आप देखें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में से 97% जो जिसपे कार्रवाई चल रही है वो विपक्ष के लोग हैं, और कन्विक्शन रेट क्या है, 1% से कम। तो उसी में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है। दुखद है, निंदनीय है, और शायद देश देख रहा होगा कि जो जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो एक मजबूत स्तंभ बनकर निकले हैं उनको घेरा जा रहा है। तो आज यह विपक्ष के साथ हो रहा है, कल देश में लागू करेंगे। जो जो उनके खिलाफ बोलेगा या अपना दुख बयान करेगा उनको इस तरीके से चुप करा दिया जाएगा।